आज अब दोस्तों मैं हूँ शहजाद आलम बर्नी आप देख रहे हैं द बर्नी शो आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा है मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर के हिंदू महासभा के द्वारा कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई पहले से ही याचिकाओं का दौर चल रहा है जो वादी है या नहीं है जो मुद्दई है या नहीं है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कोई भी संस्था जाती है कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर देती है याचिकाओं को कोर्ट एक्सेप्ट भी कर रहे हैं हालांकि पहले से ही एक लॉ बना हुआ है प्लेसिज ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन जिसके तहत किसी भी धर्म स्थल पर कोई विवाद करने की याचिका को सुनवाई नहीं मिलनी चाहिए लेकिन सवाल उठता है क्योंकि आजकल याचिकाओं को इजाजत मिलने लगी है पिछले दिनों एक याचिका दायर की गई जिसमें मथुरा की शाही मस्जिद को हटाने की मांग की गई श्री कृष्ण की सखी के तौर पर एक महिला एडवोकेट ने याचिका साल पहले डाली थी उसको खारिज किया गया फिर डाला गया अब उसको अनुमति दे दी गई है एक जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी अब उसके बाद हिंदू महासभा के द्वारा एक और याचिका दायर कर दी गई जिसमें कहा गया है कि जो मस्जिद का बीच वाला गुंबद है जो पिछली याचिका में जिसको गर्भ गर्भगृह कहा गया है यानी कि श्री कृष्ण की सबसे अहम जगह जहां पर वो पैदा हुए थे उसी गुंबद के बीच वाले गुंबद को गर्भगृह कहा जा रहा है हालांकि यह साबित करना आसान नहीं होगा कि गर्भगृह वही है चूंकि आज के दौर में भी साबित करना आसान नहीं होता है उस दौर में तो आप कैसे बता सकते हैं कि गर्भगृह कहां था और एग्जैक्टली वही लोकेशन थी या नहीं थी इसको लेकर के बाबरी मस्जिद और राम मंदिर ट्रस्ट का जो मामला चला था उसमें भी काफी चर्चाएं रही थी लेकिन अब बहरहाल हिंदू महासभा के द्वारा जो वहां के कोषाध्यक्ष हैं उनके द्वारा और उनके साथियों के द्वारा दो प्रार्थना पत्र दिए गए इन प्रार्थना पत्रों में कहा गया है कि जो लड्डू गोपाल यानी के भगवान कृष्ण का जो बचपन का रूप है उसका जो शाही है उसमें अभिषेक किया जाए और पूजा की जाए दूसरा कहा गया है कि जो जगह है वो जो गुम्बद के बीच वाले गुंबद के नीचे की जो जगह है उसका गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाए ये दो मांग की गई हैं अब नई याचिका में आप समझिए कि किस तरह से माहौल को धीरे धीरे बदलने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया इसको धीरे धीरे प्रमोट कर रहा है सवाल ये उठता है कि जो चीज़ पहले बन चुकी है जिस पर पहले से कानून बन चुका है आज़ादी के बाद के माहौल को लेकर के जब कानून बन चुका है कि किसी धर्म स्थल पर अब कोई विवाद नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट अपने दो के फैसले में भी उसका जिक्र कर चुका है तो फिर आखिर अब ये हंगामे किस हद तक जाएंगे क्या आपको लगता है कि क्या कोर्ट इसकी इजाजत देगा कि मस्जिद के बीच वाले गुंबद के नीचे शुद्धिकरण किया जाए और क्या कोई यह साबित कर पाएगा कि वही जगह हकीकत में हंड्रेड परसेंट वही जगह गर्भगृह है आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं अपनी राय जरूर बताएं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में जाएं जाकर के अपनी राय हमें जरूर बताएं आज के इस एपिसोड में इतना ही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया